जेएनयू में स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई हिंसा का कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विरोध कर चुके हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। मुंबई में भी इसको लेकर सेलिब्रिटीज ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया। अब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने जेएनयू का समर्थन किया है। दीपिका मंगलवार शाम को जेएनयू पहुंची, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। दीपिका अपनी फिल्म छपाक को प्रमोट करने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंची थी। मंगलवार शाम को उन्होंने जवाहरलाल विश्वविद्यालय पहुंचकर हिंसा के शिकार हुए स्टूडेंट से मुलाकात की। हालांकि उस दौरान उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। एएनआई ने दीपिका की मौजूदगी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो स्टूडेंट के बीच खड़ी नजर आ रही है, नारेबाजी हो रही है। हालांकि दीपिका ने इस दौरान चुप्पी साधी रखी है, लेकिन इसी के चलते दीपिका की फिल्म खतरे में आ चुकी है। जी हां, क्योंकि जब से दीपिका जेएनयू के समर्थन में खड़ी हुई हैं, तभी से ट्विटर पर हंगामा मच गया है और बॉयकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि दीपिका जेएनयू के प्रोटेस्ट में जाने के लिए पहुंची थी। इससे पहले सोमवार को एक लीडिंग टैब्लॉइड से बातचीत में दीपिका ने जेएनयू मुद्दे पर कहा था, मुझे ये देखकर गर्व हो रहा है कि हम खुद को एक्सप्रेस करने में डर नहीं रहे हैं, चाहे जो नजरिया हो, लेकिन ये अच्छा है कि लोग देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। रविवार की शाम नकाबपोश की एक भीड़ ने जेएनयू परिसर में घुसकर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी, जिसका विरोध कई सितारों ने कई स्तरों पर किया। जेएनयू स्टूडेंट्स को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का समर्थन भी मिला। सोमवार को कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मुंबई में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू, विशाल भारद्वाज जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे।